कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे देखो ये कितना खूबसूरत ये मकान बनाया, देखो देवी का मंदिर है और यहाँ पर भी डिजाइन बनाई है, यहाँ पर ये मुकुट है, यहाँ ये पर देखो देखिए मुख है। कितना खूबसूरत ये घर आपको देखने को मिल रहा है मेरे YouTube चैनल पर शिवम बीकानेरी। ये 100 साल पुराना घर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देखो और एक इस दो साइड में देखो खूबसूरत कपास, और इस साइड में देखो गायें भैंसे, इधर चारा, और इस साइड में एक छोटा सा फोखर भी है, देखो इन्होंने बना रखा है बिल्कुल एकदम बिल्कुल फोखर है। और इस साइड में देखो एक नीम है, इस साइड में देखो एक खेजड़ी है जो 100 साल पुरानी है। इस जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी मैं हूँ भारत पाक सीमा पे, और पिछली बार मैं आया था आपको बताया कि मदन सिंह जी के घर आया था, जिनका ये करीबन करीबन 50 साल पुराना है। मदन सिंह जी हाँ, अपना 50 है वो। 50 साल पुराना घर है, और मदन सिंह जी का ये जो घर है ये बिल्कुल अब नया है। और साइड का नज़ारा मैं दिखाऊँ, देखो ये सरसों खड़ी है, और इस साइड में देखो खेत खलियान कितना खूबसूरत, ये आपको भारत पाक सीमा के नज़दीक ये खूबसूरत हरियाली आपको देखने को मिलेगी। तो जय माता शाह, जय माता शाह। बढ़िया बढ़िया हो जी। तो आप मैंने ओढ़ लियो, मतलब बड़े परे हुए हैं। अच्छा तो पहल के मायो नहीं, जना आप वीडियो वीडियो बनाए आता ही करिए, तो आप भाई सहन वगैरह देखियो हो यार कि तो बढ़िया, मतलब ठाट बाट है मदन सिंह जी रहा। तो वो जो अपना पुरानी घर है अभी ने, मतलब अजीब भी थे, मतलब इन्हें एकदम टका टक कर रखी है। रखा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप नए घर है जो कम्प्लीट है अभी, अब की बार फसलां बड़ी रखी है, ठीक है, बढ़िया है, शानदार है। बढ़िया। साइड में देखो ये एक छोटी सी क्या बना रखी है, ये वीडियो आपके लिए बड़ा खूबसूरत वीडियो बनने वाला है, ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अब यकीन मानिए कि मैं आपको जो कल्चर दिखाऊंगा ना, वो एकदम 100% ओरिजिनल कल्चर होगा, ये एकदम 100% ओरिजिनल कल्चर है। जैसे देखो साइड में आपको क्या दिख रहा है, हरियाली दिख रही है, इस साइड में देखो खूबसूरत देखो मदन सिंह जी की ढाणी है, साइड में एक वो और देखो केला का शायद पेड़ होगा, और कितना मनोरम दृश्य है। और ये मेरे हाथ में चाय है, और सामने देखिए आप, आपको ये दिखेगा 50 साल पुराना जो मदन सिंह जी का घर है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत ये 50 साल पुराना घर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं धरा धरती में घूमता हूँ, पुरानी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अभी मैं अगर सामने चलूँगा ना, तो मदन सिंह जी भी हमारे साथ हैं, और ये मदन सिंह जी की जो भैंसे हैं गायें हैं। अपने ये जो पीछे बीमारी आई थी, ये तो नहीं आई अब की बार, अपने आई थी आई थी। और आपका कौन सा गांव बताया था आपने, अंसा सर, अंसा सर, ये पड़ता है नौखा तहसील में। नौखा तहसील में, और मैं भी नौखा तहसील का ही हूँ, नाथू सर गांव का हूँ मैं, कि आप देख डिग्गी पे सकते लगा हैं। रहेगा। ये बाड़ी किस चीज़ की है, क्या सब्जी की है? वो सब्जी कौन सी है? तो गोभी है, अच्छा वो गोभी है इस साइड में, और ये आलू है, आलू थोड़ा ही नहीं है, थोड़ा अच्छा। थोड़ा। तो दोस्तों ये आपको देखो खूबसूरत दिख रहा है, ये पचास बना साल पुराना जो रहे। ये, अब देखो ये दीवारें देखो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी जो संस्कृति है, पुराना कल्चर है, वो अब लास्ट स्टेज पर है, क्योंकि अब इस नए युग के अंदर जो पुराने घर हैं वो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारत पाक सीमा के देखने को मिलेंगे, या ऐसे मदन सिंह जी जैसे ऐसे लोग जो अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखते हैं, या मदन सिंह जी जैसे ऐसे लोग जो अपने पुराने घर को मरम्मत करा, हालांकि इन घर में ये रहते तो नहीं है, नए घर में इन्होंने नया घर बना लिया, लेकिन ये इनके बाप दादाओं की याददाश्त है, और ये पुरानी एक संस्कृति ही इसे कह सकते हैं। कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह का पढ़ाई करते हो? जी अच्छा, ये घर कितने साल पुराना है, मतलब ये आप दादा दादाजी रहते थे आप, है ना? 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है। अच्छा ये घर जो है कुलदीप भाई, आप बताओ ये घर कितना अच्छा लगता है तुमको, बहुत गोबर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये घर आपको देखने को मिल रहा है मेरे YouTube चैनल पर शिवम बीकानेरी। ये 100 साल पुराना घर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर देखो एक दो तीन चार पाँच जो है घर हैं, और यहाँ पर देखो ये कच्चा, देखो बिल्कुल कच्चा। तो मैं जूते उतार देता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो घर है ये अब बिल्कुल देखो कच्चा, मतलब हो चुका है, और ये मुड का बना हुआ है। पहले जो औरतें होती थी वो अपने हाथों से गोबर लेके आती थी, चिकनी मिट्टी लेके आती थी, और अपनी मेहनत से ये घर तैयार करती थी, और ये लास्ट स्टेज में है, यानी कि ये अब ढहने के बाद में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे देखो ये कितना खूबसूरत ये मकान बनाया, देखो देवी का मंदिर है, और यहाँ पर भी डिजाइन बनाई है, यहाँ पर ये मुकुट है, यहाँ पर देखो मुख है, ठीक है। अंदर की बात करो ना, तो ये देखिए ये ऊपर सरकना है, ये देखो है, ये 10 साल में एक बार चेंज होता है, देखिए। तो देखो तकड़ी चीज है कि नहीं है, आप बताओ, अगर हकीकत में आप बता देना अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा। हकीकत में इस वीडियो को लाइक करना, 100% लाइक करना, और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। और ये देखिए, ये देखो है ना तकड़ी चीज देखने लायक। तो सबसे पहले मनुवार होती है राजस्थान की, अतिथि देव भव, और हम यहीं के लोकल हैं, उसके बावजूद हमें चाय पिलाई गई है, थकान हो गई थी, लेकिन क्या नाम है बेटा,
तो ये घर अच्छा लगता है, यहाँ पर खेलते होंगे आप, है ना? हाँ जी। अच्छा, और अब तो नए घर में रहते हैं आप, क्या बात है। तो ये दोस्तों देखो, ये क्या है कुलदीप भाई? ये मटकी रखने के लिए। अच्छा, मटकी रखने के लिए है ना। तो ये दोस्तों देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ा ही गजब का दृश्य। और ये देखो, देखिए आप, गजब का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और ये अभी नए नए ये पानी भी यहाँ पर लगाए गए हैं। देखो ये यहाँ से पानी है, और इस साइड में देखो ये कुंडी है, कपड़े सूख रहे हैं। और मैं आपको जूम करके और बताता हूँ, देखो ये देखिए, ये नज़र आपको देखने को मिल रहा है बॉर्डर के समीप बिल्कुल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इस वीडियो में आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ये मदन सिंह जी राजपूत का घर है, जो कि बड़ा ही बेहद ही खूबसूरत है, 100 साल पुराना, जो कि मुड का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे दोस्तों घर जो है आपको, ये आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। मैं राजस्थान की संस्कृति को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक से लाइक करें, और वीडियो को इतना फैलाएं कि लोगों को ये जो अपनी संस्कृति पे नाज हो कि हाँ भाई, हमारे जो बूढ़े दादा थे, पुराने जो लोग होते थे, वो किस तरह से मेहनत करते थे, कैसे यहाँ पर इनका जीवन यापन होता था, और कैसे यहाँ रहते थे। आजकल तो साधन है, संपन्न है, सब कुछ है, लेन देन है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, आजकल के जो युवा लोगों को देखने को मिलती है, तब मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें लगती है कि वाकई में ये चीज़ें जो है रॉयलिटी से कम नहीं है। तो इस तरह से मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें। और सामने से देखो ये रोड है, ये हमारी गाड़ी है, और वो देखो भेड़ पालक वहाँ से जा रहा है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये देखो, मदन सिंह जी आपके, बताओ भाई, पुराने संस्कृति यहाँ पर जिंदा रखनी चाहिए, ये बताओ, रखने चाहिए जी, है कौन? पुराना माता पिता रो मान आदर करना चाहिए, पुराने संस्कृति जिंदा रखनी चाहिए। जी देखो, आप रे मुंह से है तो मुंह से, आज गलड़ा तो लोग मुंह चिको रखे नहीं, तो मुंह से बारे में अभी संस्कृति में जरूरी है कौन है? आइए साहब, तो और बताओ कोई नहीं था जी बड़े? नहीं तो जी, करो आदेश बताऊंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। गांव जा रहे हैं कि हम गए? अभी जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं यहाँ, और मतलब अब नरमो चुगई चल रहा है अभी? हाँ, चुगई चल रही, चुगई चल रहा है। और खेती बाड़ी बढ़िया है? हाँ, खेती बाड़ी ठीक, जबरदस्त है। नरमो आप ही चुगो या फिर बाहर लड़ डाले? नहीं, आप नहीं है, मच्छर पार्टी चुगे। बट मगे साइड में क्या है कि बड़े बिहारी आवे जो बे किला पर रिपे लेवे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। छोटू सुख है यार, आईफोन वैसा सुख का है, ये तो सुख है, कटे वहां।